नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पूनम चौधरी और आज हम बात करेंगे गर्भवती महिला। यदि आपके घर में है गर्भवती महिला तो कैसे रखेंगे आप उनका ख्याल, वास्तु के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम गर्भवती महिला को जहाँ पे हम रखते हैं उन पे कैसा उसी चीज़ का इफ़ेक्ट आता है, हम बात करेंगे आज आपसे इसके बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात, यदि आपके घर में गर्भवती महिला है तो आप उन्हें दक्षिण दिशा में बिल्कुल ना सुलाएं। दक्षिण दिशा गर्भवती महिला के लिए अच्छी नहीं रहती, ये अशुभ मानी जाती है। अगर आपके घर में गर्भवती महिला है तो आप उनके कमरे में कान्हा जी की फ़ोटो रखिए। जैसे कान्हा जी लड्डू गोपाल हैं, खूबसूरत हैं, देवता हैं, वैसे ही गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी उनका प्रभाव आएगा। यदि आप जानवरों की लड़ाई झगड़े की किसी भी तरह की आप तस्वीर उनके कमरे में लगा देंगे तो उन पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा, उनके गर्भ पे भी बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि उनके कमरे में बहुत ज़्यादा सफाई हो, कहीं भी गंदगी ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा, यदि आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उस दौरान वहाँ आप गर्भवती महिला को ना ले जाएं। अच्छा होगा कि आप उन्हें अलग ही रखें, एक शांत वातावरण में रखें और जिस कमरे में वो रह रही हैं सोती हैं उसकी चादर कटी फटी ना हो, उसका बिस्तर, उसका गद्दे फटे हुए ना हो, कहीं भी गंदगी ना हो, और हो सके तो आप कपूर जला के रखिए। कपूर से बहुत पॉजिटिविटी आती है, हम पूजा में भी कपूर जलाते हैं तो अगर हम कपूर जलाएंगे तो उससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी और जो उस घर की नेगेटिविटी है, अगर किसी और पर्सन या किसी सदस्य की वजह से भी नेगेटिविटी अगर आई है तो वो भी रिमूव हो जाएगी और बहुत पॉजिटिविटी आएगी, जिससे कि महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे पर पूरा इफ़ेक्ट आएगा, वो भी सकारात्मकता को अपने अंदर ग्रहण कर लेगा और वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पूरे घर वालों के लिए अच्छा रहेगा, हर सदस्य के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि गर्भवती महिला के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है, जैसा भी वो सोचती हैं, जो पढ़ती हैं, जो विचार करती हैं, वही बच्चे के मन में आते हैं। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि जब अभिमन्यु गर्भ में थे तो उनकी माँ ने कहानी सुनाई थी चक्रव्यूह रचने की, लेकिन कहानी सुनते सुनते उनकी माँ सुनाते सुनाते बीच में ही सो गई तो वो आधी ही कहानी सुन पाए, तो वैसा ही इफ़ेक्ट उनके सारे मन पे आया। तो ठीक उसी तरह गर्भवती महिला के जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, अगर माँ नॉवेल्स पढ़ती है, डरावनी या बहुत ज़्यादा खौफनाक सीरियल्स देखती है, किताबें पढ़ती है, आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा डरावने सीरियल्स भी आ गए हैं, अगर माँ उन्हें देखती है तो बच्चे पे भी उसका पूरा इफ़ेक्ट आता है। इसलिए माँ को चाहिए, गर्भवती महिला को चाहिए कि वो अच्छी अच्छी ज्ञान वाली ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़े, जिससे कि बच्चा भी उनका बहुत ज़्यादा संत विचारों वाला पैदा हो, अच्छा पैदा हो, पॉजिटिविटी रखे। आज के दौर में महिला अपने लिए सारी फैसिलिटी कर सकती हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपने बच्चे गर्भ में पल रहे बच्चे का भी पूरा पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।